तो 2023 शुरू हो चुका है और ये साल इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस साल इंडिया G20 को लीड करने वाला है। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे कनेक्ट विद नेचर को। आज के इस वीडियो में 2023 में इंडिया को किस किस एनवायरमेंटल इश्यू से सामना करना होगा ये देखते हैं। पहली समस्या है एयर पोल्यूशन, जिससे भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जूझ रहा है। लेकिन भारत की सिचुएशन एयर पोल्यूशन के मामले में कुछ ज्यादा ही खराब है। वर्ल्ड की 100 सबसे पोल्यूटेड सिटीज में 63 केवल इंडिया की है और दिल्ली की एयर क्वालिटी विश्व में सबसे ज्यादा खराब है। इंडिया में एयर पोल्यूशन की मेन रीजन की बात करें तो उसमें व्हीकल एमिशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, बिल्डिंग सेक्टर, क्रॉप बर्निंग, पावर जनरेशन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एयर पोल्यूशन को इफेक्ट करती है। दूसरी समस्या है वाटर पोल्यूशन, यानी कि गंदा पानी। 2023 में वाटर पोल्यूशन भी काफी बड़ी समस्या इंडिया में अभी तक बन चुका है। इंडिया का 70% सरफेस वाटर, यानी कि रिवर और लेक का पानी डायरेक्टली यूज करने लायक नहीं है। इंडिया के ज्यादातर रिवर और लेक रो सीवेज, गार्बेज और कंटामिनेट के कारण पोल्यूटेड हो चुके हैं। और रही बात वाटर पोल्यूशन को रोकने की, तो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हर साल $7 बिलियन का खर्च किया जाता है। आज भारत के 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग वाटर बॉर्न डिजीज से जूझ रहे हैं। अगर हमने जल्दी वाटर पोल्यूशन की समस्या पर काम नहीं किया तो ये कई जाने ले सकती है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है फूड एंड वाटर शॉर्टेज। अब ये जाहिर सी बात है कि अगर वाटर पोल्यूशन है तो फूड और वाटर का शॉर्टेज तो होगा ही। इंडिया में हर साल कई इलाकों में लंबे समय तक हीट वेव्स और ड्रॉट हो रहे हैं। 2019 की रिपोर्ट की बात करें तो 2030 तक इंडिया के सबसे बड़े 21 शहरों में ग्राउंड वाटर पूरी तरह से समाप्त होने वाला है, जो एक बड़ी समस्या को नोता दे सकता है। और ये बात हमें बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए कि इंडिया में ज्यादातर एग्रीकल्चर ग्राउंड वाटर पानी से होते हैं, जिसके कारण आगे चल के फूड क्राइसिस का एक दौर आ सकता है। अगली समस्या की बात करें तो वो है वेस्ट मैनेजमेंट। इंडिया में हर साल 27 करोड़ टन सिर्फ म्यूनिसिपल वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जिसमें से केवल 5% रिसाइकल होता है और 80% में से खाद बनाई जाती है और बाकी का 77% सिर्फ ऐसे ही लैंडफिल में डंप किया जाता है, जिसकी वजह से कचरे के पहाड़ खड़े होते जा रहे हैं। और इसके अलावा भी इंडिया में 25,000 टन प्लास्टिक वेस्ट हर दिन प्रोड्यूस होता है। क्या आपको पता है कि इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी को हाईवेस और प्लास्टिक वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नदियों में तैरती हुई मछली मिले ना मिले लेकिन प्लास्टिक तैरता हुआ जरूर मिल जाएगा। और पांचवी सबसे बड़ी समस्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस। कई लोगों को ये समस्या बड़ी ना लगे, लेकिन ट्रस्ट मी, ये समस्या भारतीय इकोसिस्टम के लिए बिल्कुल सही नहीं है। प्रकृति के राज में हर लिविंग थिंग का एक मेजर रोल रहता है इकोसाइकिल को चलाने के लिए। हर एक जीव दूसरे जीव से कनेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से हर एक की अहमियत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक स्पीसीज पे खतरा यानी बाकी सारे स्पीसीज पे भी खतरा बन जाता है। इंडिया के 1200 एनिमल स्पीसीज IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में शामिल है। इन सारी समस्या के अलावा भी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ई वेस्ट, सोल पोल्यूशन जैसी समस्या का भी सामना करना है। मतलब कि इंडिया को विश्वगुरु बनने के लिए काफी बदलाव करने होंगे अपने काम में, अपनी पॉलिसी में, उसके बाद ही हम भारत को पहले जैसी सोने की चिड़िया बना पाएंगे।